हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच तकरार की स्थिति है। सरकार ने किसी बाहरी व्यक्ति को कुलपति बनाने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की अनदेखी नहीं होना चाहिए। बाहरी लोगों की नियुक्ति क्यों, इस पर सवाल उठाया। इसके पहले जीरम कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट सौंपने, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, मंडी संशोधन विधेयक और ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के मामले में भी टकराव की स्थिति बनी थी। कांग्रेस का कहना है कि राजभवन से राजनीति की जा रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि राज्यपाल के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो गरिमा के विपरीत है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रही। उधर कुलपति नियुक्ति को लेकर गठित कमेटी ने नामों की अनुशंसा कर लिस्ट राज्यपाल को थमा दी है। अब राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो किसी एक नाम पर अपनी मोहर लगाते हैं। बनाए हुए हैं और दूसरे प्रदेशों में इस मॉडल को देखने के लिए। तो कमेटी ने राज्यपाल को नाम भेज दिए हैं और अब किस नाम की अनुशंसा की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुलपति की नियुक्ति के ऊपर स्थानीय व्यक्ति को तरजीह दी जाए, स्थानीय प्रतिभा को मौका मिले, किसी बाहरी की नियुक्ति ना हो, इस तरह की बयान या मंशा सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने प्रकट की है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि राजभवन को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां या जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो मर्यादाओं के विपरीत है। तो कुलपति की नियुक्ति का ये मामला है जिस मामले में राज्यपाल से ये बार बार मांग की जा रही है कि स्थानीय व्यक्ति को ही इसमें नियुक्त किया जाए। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह प्रदेश में जो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है उस बात को ख्याल में रखते हुए नियुक्तियां की जाएं। हालांकि अनुशंसा कर दी गई है, अब किस नाम पर सहमति या स्वीकृति या मोहर लगाती हैं राज्यपाल ये देखना होगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बाहरी व्यक्ति का विरोध किया है कुलपति के तौर पर और स्थानीय व्यक्ति को नियुक्ति देने की मांग, इसे बल मिला है। तो दूसरी तरफ राज्यपाल या राजभवन को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं की टिप्पणी पर बीजेपी ने सवाल उठाया। पहले भी इस तरह हालांकि कई दफा सरकार और राजभवन के बीच में तकरार की स्थितियां देखी गई हैं। पहले भी कुछ आदेशों को लेकर इस तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जाती रहीं। एक बार फिर से कुलपति की नियुक्ति जो राज्यपाल का अधिकार होती है उसे लेकर क्या बाहरी व्यक्ति को वो पद या नियुक्ति दी जाएगी, इस बात के ऊपर अभी से सियासी तौर पर माहौल गरमाया। मैं समझता हूं कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है, तो मैं समझता हूं इसमें इसको ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं तो उनके हिसाब से सब चीज को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रही है और आरोप लगाना उनकी नियति बन गई है राजनीति से प्रेरित कि अपने चहेते लोगों को कैसे प्राथमिकता दी जाए, यही उनकी प्राथमिकता है। तो कुलपति की नियुक्ति के ऊपर ये जो तनातनी की स्थिति है इस पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश, पहली दफा नहीं है जब राजभवन या सरकार के बीच में यूं तलवार खींचना या तकरार जैसी स्थितियां दिखाई पड़ी हों। केवल बयानों तक हम ये हालात देखते हैं और बाद में संभलते हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी मामला कहां पर अटका हुआ है, कब तक फैसला आ सकता है, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें, लेकिन बयान हर दिन आ रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, तो देखिए अभी की स्थिति की बात करें तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर के जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। राजभवन की ओर से जो कमेटी बनाया गया था उसमें एक्सपर्ट पैनल थे और उन पैनल ने नामों की एक लिस्ट लिफाफा में बंद करके राज्यपाल को दे दिया है। वो लिफाफा राज्यपाल तक पहुंच चुका है, लिफाफा खोलेंगी वो और जो नाम की सूची है
बताया जा रहा है कि 6 से 8 नाम है उसमें से किसी एक नाम को फाइनल करेंगी राज्यपाल और उसके बाद उस नाम को लेकर के आगे की प्रक्रिया जारी होगी। राजभवन के सूत्र ये बता रहे हैं कि जब वो इसमें से एक नाम फाइनल होगा उसके बाद भी कई प्रक्रिया बची होती है, जैसे कि जो फाइनल नाम होगा वो वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इसके इस नाम के खिलाफ कहीं कोई इंक्वायरी कहीं कोई विवाद तो नहीं है, और जब सब चीज पूरी हो जाएगी क्लियर कट हो जाएगी तो फिर उस नाम की नियुक्ति का आदेश जारी होगा। तो फिलहाल राज्यपाल के पाले में गेंद है और माना यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं नाम सामने आने में या नियुक्ति आदेश जारी होने में। लेकिन विवाद की स्थिति की कहें तो अभी भी लगातार गहराया हुआ है। राजनीतिक बयान तो हो ही रहे हैं, आपने सुना भी देखा भी कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने काफी तल्ख लहजों में कहा कि ठीक है आपका संवैधानिक अधिकार है आप कर सकती हैं, लेकिन आप हमारी राज्यपाल हैं और हमारी जो भावना है वो हम आप तक तो पहुंचा ही सकते हैं। लेकिन जब कुछ विशेष बात आई तो मुख्यमंत्री का तल्ख बढ़ा और उन्होंने ये भी कहा कि वो राजनीति ना करे। राजनीति करना दुर्भाग्यजनक है और छत्तीसगढ़ के हित में बिल्कुल नहीं है। और उस बयान के बाद अब राजनीतिक बयान बीजेपी की ओर से आ रहे हैं और सरकार पे आरोप लग रहा है कि आप राजभवन को राजनीति में ना घसीटिए। लेकिन ये जो विवाद है वो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में नहीं है, विश्वविद्यालय के भीतर भी है और शिक्षक वैज्ञानिक। चलिए देखते हैं कि अब इस पूरे मामले में कितनी जल्दी पटाक्षेप होता है और क्या इसमें राह निकलती है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।